बात कर लेते हैं कि हर सिंगार के पौधे में हम ज्यादा फ्लावरिंग किस तरीके से ले सकते हैं। ये मेरा 2 साल पुराना पौधा है, करीबन 10 से 12 इंच के गमले में ये रखा हुआ। तो सबसे पहले अक्टूबर में इसमें फ्लावरिंग होगी, तो सबसे पहले मैं इसमें कर रही हूँ प्रूनिंग। तो सॉफ्ट प्रूनिंग और पिंचिंग करूंगी मैं इसमें, जिससे कि मेरी और भी ज्यादा ब्रांचेज निकलेंगी और मेरा पौधा थोड़ा सा बुशी हो जाएगा। तो ये देखिए, अभी अगस्त का महीना है, अगस्त के महीने में मैं इसकी प्रूनिंग कर रही हूँ और ऐसी जो ब्रांचेज है उस पर पिंचिंग करेंगे। कि मेरे यहाँ 2 हरसिंगार के पौधे हैं, एक जमीन में लगा हुआ है और ये लगा हुआ है मेरा। प्रूनिंग करने के बाद अब मैं इसमें करूंगी इसकी रूट्स को एक बार मैं गुड़ाई करूंगी। तो ये देखिए, रूट्स की मैंने थोड़ा सा रूट्स की साइड से मिट्टी निकाली। इसमें बहुत सारी फाइबरस रूट्स रहती है और जो कि गमले की दीवार पर जाके चिपक जाती है। ये दिख रही होंगी आपको, ये ढेर सारी फाइबरस रूट्स। तो इसको मैं पहले खाली कर लूंगी। ये देखिए, करीबन 3 इंची तक मैंने इस गमले को खाली कर लिया है। इसमें रूट्स बहुत ज्यादा फाइबरस रूट्स हैं और इन फाइबरस रूट्स को भी अब मैं प्रून कर दूंगी, क्योंकि ये डेड जो रूट्स हैं उनका कोई काम नहीं है, वो प्लांट को भोजन पहुंचा नहीं पाती। तो ये जितनी भी डेड रूट्स हैं, जो मुझे लगता है कि ये डेड हैं, इनको मैंने कर दिया है अच्छे से प्रून। फ्रेंड्स, पारिजात का ये पौधा शुभ पौधा माना जाता है। इसमें हजारों की संख्या में फूल खिलते हैं और फूलों में से भीनी भीनी खुशबू आती है। ये फूल भगवान को अर्पण तो किए ही जाते हैं, इसके साथ साथ जो इसके फूलों की ऑरेंज कलर की डंडी निकलती है उसको भी सुखाकर चंदन के साथ घिसकर लेप बनाया जाता है, जिससे कि उस लेप का कलर बहुत सुंदर आता है और खुशबू बहुत अच्छी। इसके अलावा इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर गठिया बात इत्यादि में पिया जाता है। तो इस जो पौधे में आपका इंटरेस्ट है और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैंने इसके लिए जो खाद का मिक्सचर तैयार किया है, उसमें करीबन ये 200 ग्राम मैंने लिए गोबर खाद। ये अच्छी सड़ी हुई डीकम्पोज गोबर की खाद है। इसके साथ 1 चम्मच सीवीड फर्टिलाइजर लिया है। 1 से 1.5 चम्मच मैंने लिया है स्टोन डस्ट। स्टोन डस्ट की जगह आप चाहें तो बोन मिल भी ले सकते हैं। मैं बोन मिल इस्तेमाल नहीं करती और पर्टिकुलरली ये बहुत शुभ पौधा है तो इसमें बोन मिल मैं इस्तेमाल हरगिज नहीं करूंगी। और इसके साथ 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट का काम ये होता है कि ये हमारी रूट्स में रूट्स को शक्ति प्रदान करता है कि वो भोजन को अब्जॉर्ब कर सके और पौधे को पहुंचा सके। ये डीएपी भी है, डीएपी में अभी इसमें नहीं डालूंगी। डीएपी में इसमें तब डालूंगी जब हमारा पौधा थोड़ा फ्लावरिंग पे आ जाएगा। ये सारा मिक्सचर मैंने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है और अच्छे से मिक्सचर तैयार करने के बाद इस मिक्सचर को मैं इस पौधे में मैं अक्टूबर के महीने में ये पौधे में फ्लावरिंग आती है तो मोर ब्लूमिंग मोर फ्लावरिंग के लिए मैं इस पौधे को तैयार कर रही हूँ। ये पौधे में खाद देने के बाद, पूरा मिक्सचर देने के बाद, अब मैं इसे वापस मिट्टी से ढक दूंगी। तो नई मिट्टी डाली है मैंने, तो इसको मैंने दे दी है एनर्जी। अब ये पौधे को मिट्टी डालने के बाद तुम इसमें पानी देंगे एक बार, और पानी इतना देंगे कि पानी अच्छे से ड्रेनेज होल से बाहर निकल के आए। तो ये मेरा पौधा तैयार हो गया है। फुल धूप का ये पौधा है तो इसको 4 से 6 घंटे की कम से कम धूप लगनी चाहिए जब इसमें अच्छे से फ्लावर आएंगे। तो जिस जगह ये रखा था अब मैं उस जगह रख दूंगी। इस पौधे का ट्रीटमेंट हो गया है। ऐसा ही एक पौधा मेरा जमीन में लगा हुआ है, उसको भी मैं सेम ट्रीटमेंट दूंगी। तो अक्टूबर में इसमें टोकरी भर भर के फूल आएंगे। तो अगर आपके पास भी हर सिंगार का पौधा है तो हर सिंगार के पौधे का आप इस तरीके का ट्रीटमेंट करिएगा, अक्टूबर में आप उसके भरपूर रिजल्ट्स देखिएगा।